दर्पण कॉलोनी में शिक्षक शिक्षिका की वार्तालाप के बीच कार से पहुंचा शिक्षिका का पति शिक्षक पर चढ़ाई कार पत्थर भी पटके। पुलिस ने किया मामला दर्ज। शिवपुरी शहर के फिजकल थाना क्षेत्र सेंट बेनिडिक्ट स्कूल के पीछे दर्पण कॉलोनी में रविवार की रात शिक्षिका के साथ चुनावी चर्चा कर रहे एक शिक्षक पर शिक्षिका के पति ने कार चढ़ा दी। शिक्षिका का पति इतने पर ही नहीं रुका, उसने कार से उतरकर शिक्षक पर कई बार पत्थर पटक कर मरणासन हाल में छोड़ मौके से फरार हो गया। घायल का उपचार ग्वालियर के अस्पताल में जारी है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया गया कि हमलावर और घायल आपस में मामा बुआ के लड़के हैं, जो एक तरह आपस में भाई लगते हैं। पुलिस ने हमलावर पर हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। जानकारी के मुताबिक शहर के राजेश्वरी रोड का रहने वाला मनीष शर्मा शासकीय शिक्षक है। मनीष रात भी किरार स्कूल में पदस्थ है। इस स्कूल में मनीष की बुआ के लड़के जितेंद्र उर्फ भूरा शर्मा निवासी मनिया टोल टैक्स की पत्नी श्री शर्मा भी रात किरार स्कूल में शिक्षिका के पद पर पदस्थ थी। दोनों देवर भाभी के चुनाव में मतदान के लिए ड्यूटी लगी थी। बीती रात 8:30 बजे श्री शर्मा ने अपने सेंट बेनिडिक्ट स्कूल के पीछे दर्पण कॉलोनी स्थित एक अन्य मकान पर चुनाव ड्यूटी संबंधी चर्चा करने के लिए बुलाया था। इसी दौरान शिक्षिका श्री शर्मा का पति जितेंद्र उर्फ भूरा शर्मा कार्यक्रमांक MP04CU 2162 में सवार होकर आया और कार में शिक्षक मनीष शर्मा ने टक्कर मार दी। जितेंद्र उर्फ भूरा शर्मा इतने पर ही नहीं रुका, उसने पास में बड़े पत्थर को उठाकर मनीष के ऊपर कई बार पटक दिए, जिससे मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद जितेंद्र उर्फ भूरा शर्मा मौके से फरार हो गया। वहीं इस मामले में मनीष शर्मा के भाई सतीश शर्मा का कहना है कि रविवार की रात मनीष ने फोन कर कहा था कि जितेंद्र उर्फ भूरा शर्मा ने मुझे कमरे में बंद कर लिया है और मुझे मारने के लिए कुछ लोगों को बुला रहा है। फिजकल थाना प्रभारी रजनी चौहान का कहना है कि जितेंद्र उर्फ भूरा शर्मा ने अपने मामा के लड़के मनीष शर्मा पर जानलेवा हमला कर कारणों के चलते बोला, इसके खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने जितेंद्र उर्फ भूरा शर्मा के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कल रात में कोई झगड़ा भी हुआ है, कोई घायल व्यक्ति आपके थाना क्षेत्र में मिला था, कहाँ वो व्यक्ति मिला था और क्या पूरा मामला है? वो सेंट बेनेडिक्ट स्कूल के पीछे मनीष शर्मा नाम के एक व्यक्ति को उनके ही रिश्तेदार हैं जितेंद्र, उनके द्वारा कार से टक्कर मारकर और जान से मारने की नीयत से उनको टक्कर मारी गई थी। साथ ही टक्कर मारने के बाद जब वो गिर पड़े तो उनके ऊपर खंडों से वार किया गया था। जी, क्या कारण है उसके पीछे, क्या बताया गया है? अभी कोई स्पष्ट कारण उनके द्वारा नहीं बताया गया और जो आहत हैं वो अभी ग्वालियर में एडमिट हैं। जब वो बोलने की स्थिति में आएंगे तब तथ्य सामने आएंगे। क्या इस मामले में FIR कर ली गई है? जी। कितने आरोपी हैं? एक आरोपी के विरुद्ध में जितेंद्र उर्फ भूरा के विरुद्ध में 307 की FIR दर्ज की गई। क्या वो गिरफ्तार है या फरार है? अभी फरार। थैंक यू।